तो मित्रों, कोरोना का कहर है, पूरे दुनिया पे छाया, इसीलिए हमने सोचा क्यों ना जाए कुछ बजाया। कोरोना 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 कोरोना, कितना भी तुम करो ना, कोरोना अरे तो दोस्तों, देखिए कि हमारे दुनिया में बहुत ही खराब सिचुएशन आ गया है और हर कोई यहाँ पे डर रहा है। जी हाँ, धक 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 धक, ऐसे बहुत लोग जो हैं हमें हमारे देश में, हमारी दुनिया में लोग बहुत ही भयभीत हो गए हैं, मतलब डर गए हैं। तो इसीलिए हमने सोचा, दिस माइक इज़ डूइंग बहुत प्रॉब्लम, तो अपन सोचा कि आप लोग को ये जो कोरोना है इसका हम लोग डेथ रेट निकालेंगे। डेथ रेट क्या होता है वो हम आगे एक्सप्लेन कर देंगे, तो इसीलिए आप लोग डरिए नहीं। और ये एक थोड़ा डिफरेंट वीडियो होने के लिए जा रहा है, इसमें आपको बेसिक चीज़ें पता चल जाएगी कि क्या कैसे होता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, तो चलिए अब आप आ जाइए अपने कम 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 कंप्यूटर पे। तो और अब हम जाएंगे कहाँ, हु अरे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे, जो कि है WHO.INT। और यहाँ पे आपको मिलती है हेल्थ रिलेटेड से जानकारी सबसे पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमरजेंसी में आ रहा है हमारा कोरोना कोरोना। तो चलिए अब खोल लीजिए उसे और यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे व्यू डैशबोर्ड पे क्लिक कीजिए नीचे में। तो ये देखिए हमारा लोड हो रहा है। अब क्या लोड हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे ये हमें अब ये ग्राफ मिल जाएगा पूरे ग्लोबली की कोरोना वायरस का लाइव अपडेट। तो अभी एक्चुअल जो हमारे केसेस हैं, मतलब कितने लोगों में कोरोना पाया गया है, तो वो है 3,75,000। जी हाँ, ये नंबर बहुत बड़ा है, बहुत बहुत बड़ा है। और जितने लोग मरे हैं इस कोरोना की वजह से, वो है उनका नंबर 16,000 के आसपास। और हमारे देश की नंबर है 195, और 4-5 देश हैं, खैर उनको छोड़ दीजिए। और यहाँ अगर आप साइड में देखिएगा तो साइड में भी ये दिखा रहा है कि हर एक देश में कंट्री वाइज कितने कितने केसेस हुए हैं। चाइना, इटली, यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका हुआ, स्पेन, जर्मनी, ईरान, फ्रांस। तो हम अब एक्चुअली क्या करेंगे, हम अब डेथ रेट निकालेंगे, डेथ परसेंटेज निकालेंगे। तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक छोटे से नन्हे मुन्ने कैलकुलेटर की। तो ये आ गया अपना प्यारा सा गूगल का कैलकुलेटर। तो हम कैसे डेथ रेट निकालते हैं, तो जितना डेथ हुआ वो डालिए पहले 16,362, और फिर हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किससे, जो टोटल नंबर हैं वो टोटल नंबर केसेस कितनी हैं, 375,498। और फिर क्या करते हैं, इसका हम परसेंटेज निकाल देते हैं। तो आप परसेंटेज का साइन आप डाल दीजिए और एंटर दबाइए। तो एक्चुअली हमारा ये डेथ रेट निकल गया है जो कि है 4%, मतलब कि 100 लोगों में से 5 लोगों की जाने जा रही हैं। तो ये एक एवरेज निकला है गाइस। तो हम कंट्री वाइज अब जाके चलिए चेक करते हैं कि कहाँ पे कितना कितना डेथ रेट है। तो सबसे पहले चाइना पे आप अगर क्लिक कीजिएगा तो ये यहाँ पे चाइना का, आपको यहाँ साइड में ये भी आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे चाइना में डेथ रेट बढ़ा और काफ़ी स्टेबल हो गया है। यहां भी आप देखिए कि काफी स्टेबल कर लिया चाइना वालों ने अपना डेथ रेट, मतलब कि जो इन्फेक्ट हो रहे हैं लोग और लोग जो मर रहे हैं इस कोरोना के चपेट में आके। तो यहां पे मैंने एक ये लिस्ट बना ली है जो टॉप कंट्रीज हैं, ये जो 10 देश हैं जो कोरोना वायरस से जूझ रही हैं, तो उनसे सफर कर रही हैं मतलब। तो अब क्या करना है हमें, अब ये किधर गया कैलकुलेटर, ये रहा कैलकुलेटर। तो हम सेम चीज़ करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डेथ जो हुए वो चाइना में कितने हैं, 3,283 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड 81,767, फिर इसका परसेंटेज करके एंटर मार दीजिए। तो यहाँ पे एक्चुअली इसका परसेंट जो है 4% है। तो चलिए अब इसे हम लिख लेते हैं, चाइना का है 4%, ये आ गया। अब इटली का गाइस, सबसे ज़्यादा मौत जो है वो इटली में ही हुई है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे पता नहीं ऐसा क्या हो गया इस देश में कि अराउंड 6,000 लोग मारे गए। तो चलिए इसका अब हम निकालते हैं, ये आया अपना नन्हा मुन्ना कैलकुलेटर, एसी कर दीजिए, डेथ कितनी है 6,077, फिर मारिए डिवाइड 6,397,269,
फिर परसेंटेज डाल दीजिए तो वो क्या करेगा, 100 से डिवाइड कर देगा। तो देखिए गाइस, इटली की जो परसेंटेज है वो एक्चुअली 9.5% है। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि 100 में से 10 लोग जो हैं वो इटली में मर रहे हैं इस बीमारी के वजह से। तो अब यूएसए का देखा जाए क्या हाल चाल है। यूएसए तो आप बहुत डेवलप्ड हैं, तो इनकी जो है वो डेथ देखिए, इनका भी आप ग्राफ देखिए कि कैसे ये अभी बढ़ गया है। तो फिर हम वही करेंगे। अरे यार आ जाओ, चलो कितना डेथ है, 471 और 42,164 परसेंटेज निकाल दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस कि यूएसए में इतना कम डेथ रेट कैसे, सिर्फ 1%। तो 1% यहाँ डाल देते हैं, तो एक्चुअली इसका रीज़न है गाइस हेल्थ केयर। वहाँ की गवर्नमेंट काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्ट्रिक्ट है, वहाँ पे मेडिकल्स अच्छे हैं। तो अब आते हैं हम स्पेन में, हम इंडिया का भी निकालेंगे, अपना चिंता मत कीजिए। इंडिया में एक्चुअली इतना फैला नहीं है अभी, इसीलिए गवर्नमेंट हमारी बंदी लगा पड़ी है। तो फिर स्पेन का जो है, स्पेन का भी काफ़ी कम है, तो डालिए 2001। अरे क्लियर हो जाओ। हाँ, 2,182 डिवाइडेड बाय 33,089 और परसेंटेज निकाल दो। तो ये देखिए स्पेन का कम नहीं है महाराज, ये भी 6%। आप 7% मान लीजिए, इटली का 10% मान लीजिए। चलिए तो अभी सबसे आगे तो हमारा अमेरिका है, आगे भी हम देखेंगे और भी अच्छे अच्छे कंट्रीज़ हैं गाइस। तो चलिए हम सीक्वेंस वाइज अब जर्मनी में भी डेथ देखिए कि यहाँ एक ये काफ़ी एजुकेटेड कंट्री है, काफ़ी एडवांस कंट्री है, काफ़ी हाईटेक, तो आराम से हम इसे कॉपी ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत। तो ये आ गया, अरे उल्टा हो गया यार, चलो कोई नहीं। 126 डिवाइडेड बाय और फिर इसका परसेंटेज निकाल दीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, जर्मनी में बस 0.4%, लगभग आपको 100 में से एक आधे लोग मर रहे हैं। अब कैसे आप इसे डिस्क्राइब कीजिएगा वो मुझे पता नहीं। तो अब ये जर्मनी काफ़ी आगे है हेल्थ में अपने। तो अब आगे चलते हैं, आगे आ गया हमारा ईरान। ईरान एक इस्लामिक कंट्री है, तो यहाँ भी डेथ काफ़ी हुई है। और इसके बगल वाला शायद जो देश है, आई थिंक लाइक जो भी हो, खैर तो इसे कॉपी कर लेते हैं हम फिर से। तो आप इससे दोस्तों रियलाइज़ कर सकते हैं कि कैसे किस किस कंट्री में क्या क्या कैसे फैला है। तो डेथ हुई इनकी 1,934 डिवाइडेड, परसेंट निकालो। तो एक्चुअली गाइज इनका 8% है ईरान का, तो ईरान रियली नीड्स टू इम्प्रूव गाइस। तो अब आगे देखते हैं, फ्रांस आ गया हमारा। फ्रांस भी काफ़ी हद तक सही दिख रहा है। तो ये देखिए केसेस आपको गाइस हर चीज़ में बढ़ने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन एक जो अगर आप चाइना का देखिएगा तो इन्होंने काफ़ी हद तक इसे स्टेबल कर लिया है। अब जो ये डिजीज़ है वो फैल नहीं रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये एक स्टेबल हो गया, मतलब कि ख़त्म हो गया, मतलब वो ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, नए लोग नहीं आ रहे हैं। तो बैक टू वेर वेर वेर, फ्रांस, फ्रांस में ही थे ना, यस। तो कॉपी करते हैं, अब हम डेथ का नंबर डालेंगे 860 डिवाइडेड बाय परसेंटेज। तो देखिए यहाँ भी काफ़ी कम तो नहीं गाइस, तो 4% हम इसे मान लेते हैं, तो 100 में से 4 लोग मर रहे हैं। तो अगर आप इसे कोई दूसरे डिजीज़ के मुकाबले कंपेयर कीजिएगा तो ये काफ़ी कम है, काफ़ी ज़्यादा कम है। HIV हो गया, कैंसर हो गया, ये सब भी जो डिजीज़ हैं हमारे, इबोला है, और भी काफ़ी खतरनाक खतरनाक डिजीज़ हैं जिससे लोग मरते हैं, बीमारी है। तो उसके मुकाबले ये जो हमारा डेथ रेशियो है वो काफ़ी कम है। तो नेक्स्ट आ गया हमारा रिपब्लिक कोरिया, और इसे हम आई गेस कि
साउथ कोरिया से भी जानते हैं। और यहाँ देखिए डेथ्स कितने कम हैं, और इसका जो राज है गाइज, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं, काफ़ी अच्छी हेल्थ केयर बना दी गई है, फ़ोन बूथ लगाए गए हैं टेस्ट करने के लिए, ड्राइविंग फैसिलिटी है, आप ड्राइव करते करते टेस्ट करवा सकते हैं। तो बहुत इन्होंने प्रिकॉशंस लिए हैं, तो इसका चलिए चेक किया जाए कि कितना है। कैलकुलेटर भैया आ जाइए, आप आ जाइए ना, क्यों इतना परेशान करते हैं। ये नहीं, डेथ है 120 डिवाइडेड बाय, और अब परसेंटेज निकाल लो इसका, तो लाइक 1.4% है इनका डेथ रेट। फिर भी गाइस जर्मनी से ज़्यादा है, ये चाइना के बगल में, ये एक एशिया में आ गया आई गेस, इसीलिए 1.4, चलिए ठीक है, तो इसे हम 1.5 मान लेते हैं, या 1 मान के चलिए, 1% डेथ रेट है। अब स्विट्जरलैंड भी गाइस काफ़ी पढ़ा लिखा कंट्री लगता है, तो देखिए यहाँ पे अराउंड 8,000 केसेस आए हैं, ये आया हमारा, और अब देखिए इसे हम डिवाइड करते हैं, 66 डेथ हुई, ये लगता है मुझे सबसे आगे यही है गाइस। तो ये देखिए बस 1% आप इसे मान सकते हैं, 0.8, काफ़ी बड़ा कंट्री होके, पॉपुलर होके भी 1% मान लीजिए, तो इधर काफ़ी। और यूनाइटेड किंगडम, यहाँ भी दोस्तों इन्होंने इतने प्रिकॉशंस नहीं ले पाए आई गेस, तो फिर से कॉपी मारिए, डेथ हुए 335, और ये नंबर अभी अपडेट हो रहे हैं लाइव, परसेंटेज निकाल दीजिए, तो ये 5% है गाइस यूके में, लंदन में, नॉट लंदन, पूरा यूनाइटेड किंगडम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे आगे हमारा जर्मनी है, जियो जर्मनी, यू गॉट द बेस्ट प्राइज। और फिर चाइना भी दोस्तों, इन्होंने जिस तरह से रिकवर किया, क्योंकि ये जो ओरिजिन था वायरस का, ये यहीं से आया है ये वायरस। और सबसे आगे है हमारा अमेरिका, स्विट्जरलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया और यूनाइटेड किंगडम पीछे रह गया। तो चलिए अब हम अपने देश का भी निकाल लिया जाए, क्या ख्याल है आपका, है ना? तो अपने देश का हम निकालते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैं आपको जापान में दिखा दूँ कि कितने कम डेथ हुए हैं, तो इतना आप घबराइए मत, पाकिस्तान भी है यहाँ पे, और हमारा कंट्री काफ़ी नीचे है। और फिनलैंड देखिए गाइस, फिनलैंड में सिर्फ 700 में से एक डेथ हुई है, क्यों? क्योंकि इस कंट्री के पास वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, तो आप एजुकेशन की पावर देख सकते हैं। इसीलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया कि मैं आप लोगों को एजुकेट करता रहूं, ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके, ना ही सिर्फ इंडिया, सारे और भी बगल वाले लोग देखते हैं, पाकिस्तान वाले, बांग्लादेश वाले, तो कंट्री में, हमारे कंट्री में एजुकेशन कितनी ज़रूरी है, तो ये चीज़ आपको ये ग्राफ अच्छे से दिखाता है। तो यहाँ देखिए कि आप ये चीज़ रियलाइज़ कीजिएगा कि यहाँ 700 केसेस आए और सिर्फ एक डेड, और यहाँ हमारा अपना जो इंडिया है, सिर्फ 519 केसेस में से 9 डेड हो गए। कैसे? हेल्थ केयर, एजुकेशन, वहाँ के लोगों ने प्रिकॉशंस लिया। सिंगापुर का भी आप देखिए कि काफ़ी अच्छी है, तो मतलब सिर्फ 2 डेड हुए हैं 507 में से, और भी है काफ़ी हमारे कंट्रीज, लेकिन मैं सब पूरे 200 कंट्रीज़ का नहीं निकालूंगा। तो आप यहाँ पे, मैं बस आपको बताना चाह रहा था कि आप इतना डरिए मत, डेथ रेट बहुत कम है, अगर आपको ये बीमारी हो भी गया तो आप आराम से इसे फाइट कर सकते हैं। लेकिन जो लोग कमज़ोर हैं, इसीलिए आपको घर में रहना बेटर है, क्योंकि अगर आप इधर उधर जाइएगा, लोगों के साथ संपर्क बनाइएगा, तो एक्चुअली आप को भले ना हो, लेकिन आप दूसरों को ये डिजीज़ ट्रांसमिट कर दीजिएगा, ठीक है? तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हमारा जो सिचुएशन है, कि ये किस तरह से हो गया है, और ये वायरस इतना खतरनाक नहीं है, इतना डेथ रेट नहीं है, ये बात आप दिमाग में रखिए। इसीलिए मैंने ये चार्ट बनाया आपको, तो आप आराम से देख सकते हैं कि डेथ रेट कितना ज़्यादा कम है। अगर हम थोड़ा सा भी प्रिकॉशंस लें, तो हम आराम से इससे बच सकते हैं, पैनिक होने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पता है हमारे प्रधानमंत्री ने 21 दिन का लॉकडाउन कर दिया है, बट
यू नो गाइज, इसका रीज़न यही है कि हमारे देश में हेल्थ केयर नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो ये बस एक यही ऑप्शन है हमारे पास, एक ये सस्ता सा ऑप्शन हमें दिखा, हमारे प्रधानमंत्री को दिखा, तो इसे हमने अप्लाई कर दिया। सो दैट्स इट गाइज, तो आप सेफ रहिए और आप अपने हाथ को ज़रूर धोइए, ये बात आपको पता ही है मैं मुझे, और सोशल डिस्टेंसिंग गाइज ज़रूरी है, और आपको अगर ऐसा लगे तो आप जाके अपना टेस्ट करवाइए, छुपे मत रहिए, बस दैट्स इट, स्टे सेफ गाइस, स्टे हैप्पी, दैट्स इट, डू नॉट पैनिक, प्लीज़ घबराइए मत, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आराम से कोई भी चीज़, सब शॉप्स वगैरह खुले हैं, आप उतना ही सामान लीजिए जितना आपको ज़रूरत है, नहीं तो क्या पता दूसरों को ज़्यादा ज़रूरत हो, तो प्लीज़ ऐसा नहीं कि पूरे महीने भर का सामान आप भर लीजिए और दूसरे ज़रूरत वाले भूखे रह जाएं, तो ऐसा भी नहीं करना है हमें। तो आई होप कि आप सिचुएशन को समझे, घबराए नहीं, तो हमारी कंट्री की हालत अभी उतनी बुरी हो सकती है काफ़ी, जैसा चाइना हुआ, यहाँ पे काफ़ी हज़ारों लोगों की मौत हुई है, तो हमारे देश में एक्चुअली मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होने के कारण टेस्टिंग नहीं हो पा रही हैं, तो आप सावधान रहें, लोगों को जागरूक करें, डराएं नहीं, प्लीज़ किसी को मत डराइए, आराम से रहिए, घर पे रहिए, कोई दिक्कत नहीं, छुट्टी का आनंद उठाइए, ठीक है? ऑल राइट, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।